हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू लुक। बड़े को राम राम, छोटे को प्यार। अभी सुबह के बज रहे हैं 10:30 और यहाँ पे मेरे ब्रेड और चाय आ गए। रात को 1 बजे जैसे मैं उठा ना, फिर हमारे जिम में भी बहुत ज्यादा बोलने लग गए। मैं सोचा सारे घर के उठ जाएंगे, इससे बढ़िया मैं ही उठ के देख लूँ क्या हो रहा है। भाई मैं यहाँ पे आया, यहाँ खड़ा था मैं यहाँ, फिर वहाँ पे जाड़े के वहाँ पे ना जहाँ पे अम्मा बैठी है, और उसके बाद वहाँ पे खड़ा था एक पाकिस्तानी बुल्ली। पहले तो मुझे दिखा नहीं, भाई अंधेरा हो रहा था, मैं सोचा कोई पता नहीं डॉग डाग होगा कैसा। मैं पास गया भाई, जब भी नहीं दिखा। उसके बाद मैं टॉर्च, अपना फोन की टॉर्च ऑन करी, उसके बाद देखा भाई कान उसके कटे हुए, और कम से कम 15 से 16 मंथ का डॉग था वो। उनकी खासियत क्या होती है, अगर वो एक बार पकड़ लेना हाथ तो छोड़ते नहीं है, इसलिए मैं भी है ना उसके पास नहीं गया भाई, हाथ भी नहीं गया कि अगर हाथ पकड़ लिया ना तो अलग करके ही छोड़ता है वो। और हमारे जिम फिर भाई के सब भी उठ गया, रात को इसने उठ गया तो मैंने कहा भाई इसको जिम में खोल दिया, इसने शोर मचा दिया बहुत ज़्यादा, तो जिम में खोल दिया। तो यहाँ पर गया उसके पास और उसको मुँह से मुँह बिड़ारा। मैं सोचा कभी भाई इसे मुंह के साथ इन जालियों में से, यहाँ से जालियों में से बाहर निकाल ले। फिर भाई मैंने जैसे तैसे करके यहाँ पे कसी रखी थी जिसे मिट्टी वगैरह उठाते हैं, उससे भगाया वो। गाइस, गाड़ी साफ़ करते करते एक छोटा सा नुकसान हो गया है यहाँ पे, इसकी जो वाइपर होते हैं इसकी रबड़ निकल के आ गई है। तो अभी हम इसको फेविक मंगाई है, एक इस फेविक से इसको फिक्स कर देंगे। अभी ये ख़त्म है बिल्कुल, जब इसकी सर्विस करवाने के लिए जाएंगे ना अब की बार इसको चेंज करवा देंगे। इसको हम लगा देते पहले। A few moments later. Late night, it's been a